नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 59 एप्स पर बैन के बाद अब 20 और एप्स पर सरकार लगा सकती है पाबंदी। इसके बाद हम जानेंगे कि वैज्ञानिकों ने फिर दोहराई बड़े हिमालयी भूकंप की चेतावनी, कहा इसके लिए दिल्ली शिमला तैयार नहीं। इसके बाद हम जानेंगे कि जान बचाकर हांगकांग से अमेरिका पहुंची वायरोलॉजिस्ट, बोली चीन ने छिपाई कोरोना की जानकारी। इसके अलावा बहुत जल्द एक्सचेंज पर हो सकती है पेट्रोल डीजल की ट्रेडिंग, जानिए आम लोगों पर क्या असर होगा। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि आरबीआई गवर्नर ने कहा कोरोना 100 साल का सबसे बड़ा संकट, लेकिन अब दिखने लगे आर्थिक सुधार के संकेत। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,23,471 हो गई है। यह आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और केंद्र सरकार के अफसर मौजूद है। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली में कोरोना की स्थिति नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने कहा ऐसा ही काम NCR में बढ़ते केसों को रोकने के लिए होना चाहिए। दिल्ली में 1,00,000 से ज्यादा कोरोना के मामले हो गए हैं, लेकिन रिकवरी रेट 70% के करीब है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 59 एप्स पर बैन के बाद अब 20 और एप्स पर सरकार लगा सकती है पाबंदी। चीन के 59 चाइनीज एप्स पर बैन लगाने के बाद सरकार 20 और एप की डाटा शेयरिंग पॉलिसी की समीक्षा कर रही है। CNBC आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिन कंपनियों के सर्वर चीन में है उन पर रोक लगा सकती है। इसके साथ ही IT मंत्रालय कई वेबसाइट पर भी रोक लगाने के निर्देश दे सकता है। IT मंत्रालय कई मापदंडों पर समीक्षा कर रहा है। सरकार जिन 20 ऐप की डाटा शेयरिंग पॉलिसी की समीक्षा कर रही है उनमें कई पॉपुलर गेमिंग ऐप भी शामिल है। भारत में बैन हुई 59 चीनी ऐप्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के तहत इन 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है। केंद्र सरकार ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब लद्दाख की गलवान घाटी पर सीमा विवाद चल रहा है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। विकास दुबे एनकाउंटर पर बोले IAS अशोक खेमका, जो पूरी पुलिस फोर्स नहीं कर पाई उसे एक निहत्ते नागरिक ने कर दिखाया। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे ने एनकाउंटर के बाद अब तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के साथ साथ BJP के नेता उमा भारती ने भी विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर मध्य प्रदेश प्रशासन से कई सवाल पूछे है। वही IAS अधिकारी अशोक खेमका ने भी गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर सोशल मीडिया पर अपना विचार प्रकट किया है। अशोक खेमका ने ट्वीट करते हुए कहा कि उज्जैन महाकाल मंदिर के एक निहत्ते निजी सुरक्षा कर्मी ने खूंखार डॉन को पकड़ लिया, इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपा था। उन्होंने आगे कहा कि जो पूरी पुलिस फोर्स नहीं कर पाई उसे एक निहत्ते नागरिक ने कर दिखाया, क्या वह असली नायक नहीं है? दरअसल विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश की पुलिस अलर्ट मोड पर थी। खुद UP में उसकी तलाश करने के लिए 100 से ज्यादा पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी। इसके बावजूद भी वह दिल्ली और फरीदाबाद होते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहुंच गया था। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। वैज्ञानिकों ने फिर दोहराई बड़े हिमालयी भूकंप की चेतावनी, कहा इसके लिए दिल्ली शिमला तैयार नहीं। भूकंप विज्ञानियों की चिंता एक बड़े हिमालयी भूकंप को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है, जो लंबे समय से इस इलाके में आने वाला है, और उन्होंने इसे लेकर शिमला जैसे पहाड़ी शहरों के साथ ही नई दिल्ली जैसे मैदानी शहरों को भी चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बड़े भूकंप के लिए ये शहर तैयार नहीं है। हिमालय में आए पिछले बड़े झटके 2015 में नेपाल भूकंप के दौरान आए थे। 7.8 तीव्रता वाले इस भूकंप से 9,000 लोगों की जान गई थी और 22,000 लोग घायल हुए थे। इस भूकंप ने नेपाल की राजधानी काठमांडू के ज्यादातर हिस्से को समतल कर दिया था। 2015 के नेपाली भूकंप की भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट में विलय थी वजह। एक अंग्रेजी अखबार में छपे एक लेख के मुताबिक यह भूकंप इतना तेज था कि इसने राजधानी काठमांडू को 1.5 मीटर दक्षिण में खिसका दिया था। हालांकि यह उतना भी तेज नहीं था क्योंकि इस इलाके में 8 से ज्यादा तीव्रता वाले एक भूकंप का अनुमान लगाया जा रहा था। हालांकि इसने एक और भूकंप के लिए जमीन तैयार कर दी थी जिसके इससे ज्यादा तीव्र होने की संभावना थी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। जान बचाकर हांगकांग से अमेरिका पहुंची वायरोलॉजिस्ट, बोली चीन ने छिपाई कोरोना की जानकारी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर दुनिया में बरकरार है, लेकिन दिसंबर से लेकर अब तक इस वायरस को लेकर इतने तरह के खुलासे हुए हैं कि अब भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने चीन पर बार बार आरोप लगाए हैं कि उसने सही समय पर इस वायरस के फैलने की जानकारी विश्व समुदाय को नहीं दी।
अपने ऊपर उठ रहे सवालों को चीन के हमेशा झुठलाया है। चीन का दावा है कि जैसे ही उसे इस वायरस की गंभीरता का पता चला, उसने फौरन विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत दुनिया के कई देशों को इसकी जानकारी दी। लेकिन अब हांगकांग की एक वायरोलॉजिस्ट ने चीन के इस दावे को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। हांगकांग से जान बचाकर अमेरिका पहुंची एक वैज्ञानिक ने खुलासा किया है कि कोरोना वायरस को लेकर चीन उसे काफी पहले से जानता था, जब इसने दुनिया को बताई। उन्होंने यह भी कहा कि यह सरकार के सर्वोच्च स्तर पर किया गया। हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में वायरोलॉजी इम्यूनोलॉजी की विशेषज्ञ ली मेंगयान ने फोकस न्यूज को शुक्रवार को रिव्यू में कई बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि महामारी की शुरुआत उनकी रिसर्च को उनके सुपरवाइजर्स ने भी इग्नोर किया, जो कि इस फील्ड के दुनिया के टॉप एक्सपर्ट है। वह मानते हैं कि इससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। चीन के साथ तनाव बढ़ने पर ट्रंप भारत का समर्थन करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। जॉन बोल्टन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि यदि चीन भारत सीमा तनाव बढ़ता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के खिलाफ भारत का समर्थन करेंगे। बोल्टन एक टेलीविजन चैनल से साक्षात्कार में कहा कि चीन अपनी सभी सीमाओं पर आक्रामक तरीके से व्यवहार कर रहा है। निश्चित तौर पर पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में भी तथा जापान, भारत और अन्य देशों के साथ उसके संबंध खराब हुए हैं। यह पूछे जाने पर कि ट्रंप चीन के खिलाफ भारत का किस हद तक समर्थन करने के लिए तैयार है, उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि वह क्या निर्णय लेंगे और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस बारे में पता है। मुझे लगता है कि वह चीन के साथ भू रणनीतिक संबंध देख, उदाहरण के लिए विशेष रूप से व्यापार के चश्मे से। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। बहुत जल्द एक्सचेंज पर हो सकती है पेट्रोल डीजल की ट्रेनिंग, जानिए आम लोगों पर क्या होगा असर। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी SEBI बहुत जल्द ही देश में पेट्रोल डीजल की फ्यूचर ट्रेडिंग को मंजूरी दे सकता है। SEBI की इस अनुमति के बाद कंज्यूमर्स को बाजार में अचानक आने वाले तेज उतार चढ़ाव से निपटने में आसानी हो सकेगी। सूत्रों ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोलियम उत्पादों की फ्यूचर ट्रेडिंग को लेकर एक प्लान मंजूरी दे दी है। ऐसे में अगर SEBI अंतिम मंजूरी दे देती है, डेरिवेटिव मार्केट और कमोडिटी एक्सचेंज पर पेट्रोल और डीजल का वायदा कारोबार हो सकेगा। फ्यूचर ट्रेडिंग एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें खरीदार व विक्रेता भविष्य की किसी एक तारीख पर पहले से तय किए गए भाव पर ट्रेडिंग करते हैं। पेट्रोल डीजल के मामले में डेरिवेटिव प्रोडक्ट को भविष्य के लिए एक तय तारीख पर डिलीवरी के लिए खरीदा जा सकेगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। 9000 कर्मचारियों की छटनी करेगी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी विमान कंपनी, पिछले साल ही हुआ था बंपर मुनाफा। कोरोना वायरस महामारी के बीच एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपने वर्कफोर्स में लगभग 10वें हिस्से की छटनी की है। अब यह 15% यानी 9000 तक बढ़ सकती है। शनिवार को एक रिपोर्ट में एमिरेट्स एयरलाइंस के प्रेसिडेंट ने यह बात कही। एमिरेट्स एयरलाइंस मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी विमान कंपनी है जिसके पास 270 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है, लेकिन मार्च में वैश्विक क्षेत्र पर लॉकडाउन के बाद इस विमान कंपनी का परिचालन भी ठप पड़ा है। हालांकि 2 सप्ताह के बाद ही इस कंपनी ने लिमिटेड नेटवर्क्स के लिए अपनी सेवाएं शुरू कर दी थी। अगस्त महीने के मध्य तक कंपनी 58 विमान उड़ाने पर की योजना बना रही है। कोरोना वायरस संकट के पहले की तुलना में यह बेहद कम है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन के मुकाबले भारतीय प्रोडक्ट 3 से 4 साल ज्यादा चलते हैं, फिर क्यों कम बिकते हैं। पंजाब के नरेश भारद्वाज नट बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं। इन्होंने अच्छी क्वालिटी का सामान बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन लगाई है, साथ ही लागत घटाने के लिए हर जरूरी कदम उठाते हैं। इसके बावजूद चीन से आने वाले नट बोल्ट उनके प्रोडक्ट के मुकाबले काफी सस्ते हैं। नरेश परेशान है कि वो भारत में ही अपना सामान बना रही है, जबकि चीन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन के बावजूद भारत में 15% से 20% तक का सस्ता सामान बेच रहा है। चीन कैसे भारत के मुकाबले सस्ता सामान बनाकर बेचता है। नरेश भारद्वाज बताते हैं कि वो घरेलू मार्केट से ही कच्चा माल लेता है, इनकी कीमतें रोज बदलती है, साथ ही बिजली काफी महंगी है इसलिए लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा सरकार मशीनें खरीदने के लिए सब्सिडी देती है। नरेश भारद्वाज ने 2018 से 19 में 2 मशीनें 50 लाख रुपए में खरीदी थी, लेकिन सरकार की ओर से सब्सिडी का पैसा अभी तक नहीं मिला है। ऊंची ब्याज दरें और समय पर सब्सिडी नहीं मिलने से लागत बढ़ना तय है। अगली बड़ी खबर किसानों के लिए बड़ी खबर। FPO के तहत मिलेंगे 15 लाख रुपए, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 10,000 FPO यानी किसान उत्पादक संगठनों यानी
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के गठन और सर्वधन के लिए नए दिशा निर्देश की बुकलेट जारी की है। उन्होंने कहा साल 2023 से 2024 तक कुल 10,000 एफपीओ का गठन किया जाना है। 5 साल के लिए प्रत्येक एफपीओ को सहायता दी जाएगी। सरकार इस पर कुल 6,866 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने राज्यों को आश्वस्त किया कि राज्यों को आवश्यक मदद सहायता दी जाएगी ताकि एफपीओ को बढ़ावा दिया जा सके एवं केसीसी के माध्यम से किसानों को दी ऋण सुविधाओं में वृद्धि की जा सके। बैठक में कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि देश भर में 90,000 से ज्यादा सहकारी समितियां हैं जिनमें 60,000 के पास जमीन भी है और वे सक्षम भी है। इनके जरिए एफपीओ का गठन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। आरबीआई गवर्नर ने कहा कोरोना 100 साल का सबसे बड़ा संकट, लेकिन अब दिखने लगा आर्थिक सुधार के संकेत। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रविवार को 7वीं एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में कहा कि कोविड-19 पिछले 100 साल का सबसे बड़ा स्वास्थ्य एवं आर्थिक संकट है। उन्होंने कहा अच्छी बात यह है कि इकोनॉमी में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। देश में आर्थिक लेनदेन सामान्य स्थिति में पहुंच गया है, लेकिन इसमें बैंक को अपने रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने शुक्रवार को कहा था कि लोन चुकाने के लिए मोरेटोरियम पर अक्रॉस द बोर्ड विस्तार की जरूरत नहीं होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सेक्टर्स को अभी भी सहायता की जरूरत है और भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में उचित कदम उठाएगी। आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आरबीआई गवर्नर आगे कहते हैं कि कोरोना से निपटने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। उज्ज्वला योजना में ऐसे क्रय रजिस्ट्रेशन फ्री में पाए रसोई गैस सिलेंडर। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने देश के गरीब परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना और 3 माह के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन्होंने तीसरा सिलेंडर नहीं लिया है वह सितंबर तक इसे मुफ्त ले सकते हैं। ऐसे में अगर आप गरीब परिवार से हैं और अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।